नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु आपका स्वागत करता हूँ स्टेट स्टूडेंट दीपांशु दीक्षित में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश में, जो कि 60,244 पदों पर आई है, जिसमें कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि एग्ज़ाम अभी थोड़ा लेट होगा या फरवरी में नहीं होगा या और शिफ्ट होगा, अप्रैल तक चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आज 2 जनवरी को एक इंटरनल पत्र वायरल हुआ है। उस पत्र में भी जो वहाँ हर प्रत्येक ज़िले के जो पुलिस अधिकारी हैं, उच्च पद पर पुलिस अधिकारी हैं, उनके लिए पत्र लिखा गया और उनसे कहा गया कि आप अपने ज़िले में आसपास केंद्रों की संख्या, जो भी केंद्र बनाए जा सकते हैं, आप उनको सुनिश्चित करें कि वो उसमें कितने केंद्र बनाए जा सकते हैं, कितने केंद्र नहीं बनाए जा सकते। तो उसमें जो डेट दी गई है कि 11 तारीख और 18 तारीख के लिए ही डेट दी गई है। तो उस पत्र से ये स्पष्ट है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में ही होगा, वो भी 11 तारीख या 18 तारीख को होगा। ये एग्ज़ाम आपका लेट नहीं होगा। ये बाकी सब भ्रामक न्यूज़ है कि एग्ज़ाम लेट होगा या एग्ज़ाम मार्च में चला जाएगा। आप इस ऐसी किसी भी गलत जानकारी में ना पड़ें, आप अपनी तैयारी लगातार रखें, 18 तारीख या 11 तारीख के हिसाब से अपनी तैयारी को रखें। उसके बाद आपको ज़्यादा मौका नहीं दिया जाएगा। अगर शिफ्ट भी होगा तो 1 से 2 दिन या 4 से 5 दिन शिफ्ट होगा, लेकिन होगा पर फरवरी में, ये कन्फर्म है। इसलिए आप किसी भी तरह की गलत भ्रामक न्यूज़ों में ना पड़ें कि यूपी कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम थोड़ा शिफ्ट किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।